हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करे किक जेई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, अदर देन NITs, IIITs, IITs, मतलब कि ये सारे हटा दें, उसके बाद में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, जो कि जेई का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो एक मैंने सीरीज दी हुई है पूरे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बिकॉज इसमें से ऐसे कॉलेज भी हैं जो कि प्राइवेट है 10 लाख रुपीज एवरेज प्लेसमेंट वाले हैं। कुछ फैक्टर मैंने कंसीडर करके पूरी लिस्ट बनाई है, पहले फैक्टर समझ लो। पहला फी स्ट्रक्चर, दूसरा स्कॉलरशिप, तीसरी प्लेसमेंट कट ऑफ, कितना पुराना है, ईयर ऑफ एक्सीलेंस कितना है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। रहा नहीं जाता तो वो कौन कौन से कॉलेज हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जब मैं ये कंटेंट पूरा बना रहा था, लिख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने IIITs डाल रखी है प्राइवेट में। अब यार देखो, प्राइवेट में IIIT डालना थोड़ा सा ठीक नहीं है, बिकॉज IIIT बैंगलोर हो, आपका हैदराबाद हो, या IIIT दिल्ली हो, और भी बहुत सारी IIITs हैं जो कि PPP मॉडल पे चल रही हैं अभी, बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन IIITs का एक अलग क्लास है, एक उसका अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन अभी हम लोगों ने एक जो सीरीज प्रिपेयर की हुई है वो आप देख लो। पहले यहाँ पर यार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएंगे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि JEE पेपर 1 हम लोग देने के बाद 2 की प्रिपरेशन करने लगते हैं, उसी बीच में इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है। बहुत सारे इनमें से एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल सून लिखा हुआ है, ये भी अवेलेबल सून है यार, है ना। तो अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ही JEE का पेपर आपका स्टार्ट होगा उसके एक हफ्ते पहले इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स आ जाती हैं, और बहुत बार ऐसा होता है जब तक आपका रिजल्ट आ रहा होता है उससे पहले क्लोज हो जाती हैं, तो हमको पता नहीं चलता है, बिकॉज हम लोग सर्च आउट उसी की बात करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट अप्लाई कर पाते हैं, अप्रोच कर पाते हैं, और कट ऑफ भी फिर हाई चली जाती है, फिर अलॉटमेंट हमको नहीं मिल पाती है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। नंबर 1 पे कॉलेज है हमारा धीरूभाई अंबानी, गांधीनगर में है, और ये यार कॉलेज बहुत बेहतरीन है, एवरेज प्लेसमेंट 13 से 15 लाख के बीच में है। पैसा ही पैसा होगा। अब यार जब बात धीरूभाई अंबानी की आ जाती है तो सिंपल सी बात है, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होगा, रिक्रूटमेंट के लिए कोई कमी नहीं होती है। कट ऑफ अगर देखोगे तो आपका 99% बस हार्डली 98 तक ले लो यार, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच है यहाँ पर कंप्यूटर के साथ में, तो ICT जो है यहाँ पे, है ना, वो 13,000 तक 15 तक चली आती है लास्ट, मतलब मैं बता रहा हूँ 2 लाख रुपीज़ इसकी पर ईयर का फी स्ट्रक्चर, जितनी भी फी स्ट्रक्चर लिखी है वो यहाँ पर सारी की सारी पर ईयर की हैं। दूसरा NITI जयपुर, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो इंस्टीट्यूट है जयपुर में लोकेटेड है, बिट्स पिलानी के बाद इसकी बारी आती है, लेकिन ये सारे के सारे JEE के स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। इसमें खास बात ये है, अब इसकी जो फीस है वो 3,15,000 रुपीज़ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो अभी नहीं ओपन हुआ, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन उन्होंने डाल रखा है, तो उस पर जाकर प्री रजिस्ट्रेशन कर दो। अदरवाइज एक मैंने फ्री गाइडेंस फॉर्म भी दे रखा होगा, उसको फिल कर देना, तो जब भी ये सारे अपडेट्स आ रहे होंगे, नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, तो आप तक पहुंच जाएंगे और हमारी टीम के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो कि इनमें से कौन सा फॉर्म आपके लिए सही रहेगा, आप कौन से फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज एक प्रॉपर फॉर्म लेवल पे एक बहुत अच्छे से काउंसलिंग अगर आप अभी से करके चलोगे तो आपकी फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, और बहुत सारे फॉर्म्स के हमारे पास में कूपन कोड भी अवेलेबल है। अब जैसे अगर आप बात करोगे NITI जयपुर की, 10.63 लाख मतलब प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट है ये, कट ऑफ लास्ट ईयर यहाँ 30 से 35-40 तक चला गया था, बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंड किया हुआ था मैकेनिकल, कैंसलेशन आते आते वो आप लेकर चलो 45,000 तक चला गया था, 45-48,000 पे बंद हो गया था, बहुत ज़्यादा लास्ट तक जो गए थे। उसके बाद में शिव नादरी यूनिवर्सिटी दादरी गाज़ियाबाद में लोकेटेड है, SCL के जो चेयरमैन हैं उनकी यूनिवर्सिटी है, तो सिंपल सी बात है प्लेसमेंट को लेकर कोई इश्यू नहीं होगा। एवरेज प्लेसमेंट 8 LPA है, फास्ट ग्रोइंग है, दूसरी चीज़ 3,25,000 इसका ईयरली फीस है यार, है ना, और इसकी लास्ट डेट अभी इसका फॉर्म चल रहा है, तो अगर आप यहाँ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। ये एक सिंगल ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सबसे पहले अपनी काउंसलिंग पोर्टल ओपन करता है और सबसे पहले क्लोज भी कर देता है, और जब तक लास्ट मतलब जोसा वोसा चलना स्टार्ट होता है तब तक ये अपनी क्लासेस शुरू कर देते हैं, ये सबसे आगे रहते हैं। पिछले 2 कोविड में मैंने देखा तो ये हमेशा ये आगे ही रहे हैं,
तो इस बार भी आई होप ये बहुत जल्दी से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी काफी कॉस्टली है, इसका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो वो भी आप SNU सेट के नाम से वो भी आप दे सकते हो, और साथ ही साथ आप JEE के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे खास चीज़ ये है कि यहाँ पर दो JEE के स्कोर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, वो आपका 2021 हो या 2022 हो, या आपने दे रखा हो ऑलरेडी, आप इस बार दोगे। उसके बाद में निर्मा यूनिवर्सिटी, इसका यार अभी तक अप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2 लाख रुपीज फीस रहेगी, 7.11 मतलब कि 7,11,000 एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ की, 70,000 से 80,000 के बीच में यहाँ की कट ऑफ वैरी करती है। JEE की ऑल इंडिया रैंक में CRL रैंक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारा JP नोएडा है, JP नोएडा मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, फीस अप्रॉक्स आपकी 2,50,000-75,000 के आसपास फर्स्ट ईयर में जाती है, फिर कुछ 5% की इंक्रीमेंट रहती है आपकी। एवरेज प्लेसमेंट 7 से 8 है, और अगर आप सेक्टर 62 की बात करोगे तो 45,000 तक CS वगैरह बंद हो गई थी, आई थिंक 47 तक गई थी एग्जैक्ट, और 60,000 तक 65 तक EC भी क्लोज हो गई थी यहाँ की। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, अब यार ये काफ़ी नीचे इसलिए है क्योंकि इसकी फीस 4 लाख रुपीज पर ईयर है, एवरेज प्लेसमेंट बढ़िया है। दूसरा रीजन ये 10+2 के भी आप पे लास्ट 2-3 ईयर से बहुत ज़्यादा एडमिशन जो ले रहे हैं वो 10+2 की भी आप पर ले रहे हैं। 96 जो परसेंटेज था जो लास्ट ईयर, मतलब परसेंटेज 96 पे इनको यहाँ पर CS वगैरह बच्चों को मिल पाती थी, CS, IT या CS से रिलेटेड ब्रांचेस, एवरेज प्लेसमेंट 8 से 10 LPA है। उसके बाद में हमारा अमृता यूनिवर्सिटी है, 2 लाख रुपीज एवरेज फीस है, मतलब कम है ये इंस्टीट्यूट, मतलब डिसेंट सा है, कम फीस में ठीक ठाक प्लेसमेंट है, 6 लाख रुपये फीस है इसकी, 93% के अराउंड ये भी लास्ट तक बंद हो जाता है। अब यहाँ पर 93 पे आपको CS नहीं मिल रहा होगा, जो भी ब्रांच मिल रही होगी वो एक लोअर वाली ब्रांच मिल रही होगी, अब जो भी इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल होगी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वो लास्ट वाली ब्रांच है यहाँ पे। उसके बाद में UPS देहरादून यार, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट 17 स्पेस लाइसेंस CS के साथ में अवेलेबल हैं, इसलिए इनकी एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी ठीक है, 6 LPA है। UPS का यार हमारे पास में कूपन कोड वगैरह भी अवेलेबल है, तो आपको फॉर्म फिलिंग अगर करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। अब अगर इसकी फीस की बात करोगे तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, 4 लाख रुपीज का अगर फीस स्ट्रक्चर ईयरली लोगे तो 16 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो जा रही है, हॉस्टल वगैरह मिलाओगे तो 20-22 लाख के आसपास टच कर जाता है। 29th of March फर्स्ट फेज की इसकी लास्ट डेट है। अब कुछ इसमें से ऐसे हैं जिसमें से स्कॉलरशिप फर्स्ट फेज में बहुत बढ़िया देते हैं, अदरवाइज फिर आपको फिर उतनी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पहला ये UPS है, दूसरा आपका बैनेट हो गया जो लास्ट में मैंने लिख रखा है, ये सारे स्कॉलरशिप मतलब फर्स्ट स्टेज में अच्छी देते हैं, उसके बाद तो फिर कम कम मिलने लगती है। इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में MIT पुणे WPU वाले की मैं कैंपस की बात कर रहा हूँ, जो कि मेन कोथरूड बोलते हैं जिसको, मेन कैंपस है, 3,10,000 फीस हो चुकी है आज के टाइम पे, पहले 295 हुआ करती थी, 5 से 6 लाख रुपीज की एवरेज प्लेसमेंट है। WPU का फॉर्म अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अब WPU का यार आज सच बहुत ज़्यादा कोई JEE वगैरह में अच्छी स्कोरिंग नहीं चाहिए होती, अगर 80 का अबव है तो ऑलमोस्ट मिल जाता है लास्ट तक। उसके बाद में बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है यार, नया ग्रुप है, नई यूनिवर्सिटी है, 3,60,000 रुपीज का पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है, एवरेज प्लेसमेंट यार वेबसाइट का सोर्स है 9.95 है। अब अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि इनकी लोअर ब्रांचेज बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी CS की है मोस्टली, बहुत ज़्यादा नीचे तक गए हैं तो EC तक गए हैं, दैट्स वाई इनकी प्लेसमेंट अच्छी है। अब ये 9.95 बोल रहे हैं है ना, तो मैं बोलूँगा इतनी तो मैं नहीं है, यहाँ पर आप ले सकते हो 7 से 8 LPA के अप्रॉक्स। अब ये 9.95 ऊपर के टॉप 20-30% स्टूडेंट का निकाल के उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, और स्कॉलरशिप फेज वन के इनके यहाँ पर भी बहुत अच्छी रहती है, तो जाकर अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, और आपको बहुत सारे कूपन कोड मिल जाएंगे, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पर, जाकर कॉल करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।